जी बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने किया वो था 1.6 प्रिसिशन एक्यूरेसी। नाउ लेट्स डू इट नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 1.7। टॉपिक नंबर 1.7 जो है असेसमेंट ऑफ टोटल असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। जी बच्चों, ये हमारा टॉपिक नंबर है 7.1 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। जी बच्चों, हमने असेसमेंट देखनी है, हम कैसे टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं या टोटल एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम जो एवेल्युएशन कर रहे हैं उसके अंदर तमाम पाए जाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले तमाम की तमाम अनसर्टेनिटीज जो इन्वॉल्व हैं उनको भी कैलकुलेट किया जा सके और जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर उसे ऐड किया जा सके। ठीक है, तो इसके जो प्रूफ्स हैं इन तमाम असेसमेंट्स के जो आपके फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन पावर फैक्टर और अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यूज और जो आपका लास्ट अनसर्टेनिटी इन द टाइम एक्सपेरिमेंट, ये इसके अपेंडिक्स नंबर 2 के अंदर इसके प्रूफ जो अवेलेबल है, अगर कोई बच्चा प्रूव करना चाहता है तो वहां से हेल्प आउट ले सकता है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जी बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं जो कि हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिस्टेंस एक्स है डिस्टेंस एक्स जो है एक लेंथ है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आता है डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स या बिटवीन टू हमारे पास जो सेपरेट पोजीशंस आती हैं उसको अगर हम मेजर करते हैं, पहली पोजीशन जो आती है वो है एक्स वन जो कि है आपकी 0.10.5 फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर जो वेरिएशन हमारे पास आनी है क्योंकि हम मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं इसलिए 0.1 सेंटीमीटर जो है आप ले लें या 0.1 मीटर सेंटीमीटर, जबकि दूसरी हमारे पास है एक्स टू वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास जो रीडिंग जो है रिकॉर्ड की गई है, अगर अब हम इनका एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस या माइनस एक्स टू करेंगे इसको, क्योंकि यहां पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स वन और एक्स टू को, तो इसके लिए जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो फाइनल में से इनिशियल को लिखेंगे, फाइनल सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट यानी माइनस इनिशियल, इन दोनों को जो बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है 26 में से 10 जब हम माइनस करते हैं तो 16 आ जाना चाहिए, 16 आ गया, 8 में से 5 जो सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आना चाहिए, प्लस माइनस 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 कर लें प्लस माइनस कर लें, हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर तक जो है ये आपकी जो है इसके अंदर जो एब्सोल्यूट परसेंट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। इस तरह जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हम क्या करते हैं टोटल जो उनकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल होती है उनको भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती है उनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम फाइनल जो रिजल्ट होता है उसके अंदर हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की जो कि हमारे पास सेकेंड पॉइंट है इसी का, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमने देखा, अब हम बात करते हैं सेकेंड जो क्या है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड
and division. ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर उसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर ओम ला की, जिसमें हमारे पास हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V ओवर I. R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I हमारे पास क्या है, करंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास V जो हमने रिकॉर्ड किया पोटेंशियल डिफरेंस वो था 5.2, जब केस के अंदर अनसर्टेनिटी जो एरर है वो है 0.1 वोल्ट तक. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो करंट जो था वो हमने मेजर किया 0.84 प्लस माइनस, इसके अंदर अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट एरर 0.05 एम्पीयर का आ रहा है. ये वैल्यूज हमने रिकॉर्ड की ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे V के लिए भी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे I के लिए भी. ठीक है, तो परसेंटेज फॉर V लिख लें आप, वो बच्चों क्या होगी, इसके लीस्ट काउंट पे से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 डिवाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, और वो आ जाएगी हमारे पास अबाउट 2%. ठीक है, इसी तरह I के लिए लेते हैं परसेंटेज फॉर I, वो भी इसके लीस्ट काउंट 0.05, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसके अंदर जो परसेंटेज एरर आ जाता है वो आता है 6%. बच्चों ये आ गया V और I के लिए हमने निकालनी है. अब हमने निकालनी है फाइनल रिजल्ट के लिए. तो फाइनल रिजल्ट के लिए हमें पता है R किसके इक्वल होता है, V ओवर I. ठीक है, अब पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं. V हमारे पास कितना है 5.2, I हमारे पास कितना है 0.84. अब इसका रिजल्ट निकाल लेंगे हम सबसे पहले. तो इसका रिजल्ट आता है R का जो कि हमारे पास है रेजिस्टेंस, वो आता है 6.19 ओम. ठीक है, अब ये तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब इसके साथ जो टोटल परसेंटेज अगर हम निकालें, टोटल परसेंटेज कितनी है, 2 प्लस 6 इनको ऐड करेंगे विद 8% एरर जो इसके अंदर आ रहा है, 8% जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो आ रही है. अब इन दोनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो आर हमारे पास आ जाता है 6.19. ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमारे पास ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 3, हमने इसको भी 2 मिल जाना है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम. ठीक है, इतने परसेंट जो है इसमें वेरिएशन आ जाएगी. अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, जो थर्ड पॉइंट है इसका. जी बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारे पास है पावर फैक्टर. तो फाइनल रिजल्ट है फॉर पावर फैक्टर. इसके लिए जो हमने फाइनल असेसमेंट करनी है जो एरर की, वो हम किस तरह करते हैं, तो मल्टीपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है पावर के अंदर उसको हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपली ये होता है उसकी जो पावर होती है, जो उसके अंदर कोई भी हमारे पास बेस, उसकी जो पावर होती है उसको एज अ कोफिशिएंट लेके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी अनसर्टेनिटी के साथ. ठीक है, अब अनसर्टेनिटी में वेरिएबल देखा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम जो है वो मेजर करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास बच्चों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. अब इसमें वेरिएबल क्वांटिटी जो है जिसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है मेजरेबल, वो आर है, बाकी तो कांस्टेंट है. ठीक है, अब इसका जो पावर कोफिशिएंट कितना है, पावर जो है वो एज अ कोफिशिएंट बनेगी, वो कितना है, 3 है. ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमने निकालनी है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम वी के अंदर, वो होगी 3 मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर. ठीक है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी वॉल्यूम के अंदर होगी वो इक्वल होगी जो हमारा वेरिएबल आर है जिसके अंदर मेजरमेंट्स की जा रही है उसकी पावर को, उसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज से क्या कर देना, मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल अगर हमने आर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, वो है जी अगर हम लें 2.25. ठीक है, और इसके साथ जो इसका अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट प्रिसिशन वो 0.1
0.01 है, ठीक है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टन इन आर वो होगी 0.01 डिवाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसी तरह निकालते हैं हम इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास ही आ जाता है 0.4%, ठीक है, 0.4% आ जाती है। अब ये हम निकाल लें, यहां पे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं 0.4%, ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 1.2%, ठीक है। अब ये अनसर्टेनिटी एरर जो आया हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर के अंदर, वो आया 0.2%। अब हमने फाइनल जो वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू 4/3πr³, तो वैल्यू जब पुट करेंगे पाई एज इट इज, ये हमारे पास था कितना 2.25 raised to power 3, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास आंसर जो आता है v का, वो आता है 4.47.8689, ठीक है, विद परसेंटेज कितनी है 1.2%, विद 1.2% उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है। इट मींस को हम राउंड ऑफ करेंगे, सबसे पहले राउंड ऑफ करके देखते हैं, आता है 47.7, ठीक है जी, 47.7 इसकी आगे विद परसेंटेज 1.2 ऑफ दिस 1.2 किसका 2.25 का बनता है 0.6 cm³। तो बच्चों इस तरह जो है हम इसका जो पॉसिबल एरर, जो टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर हम वॉल्यूम की इस तरह निकालेंगे। लास्ट जो फोर पॉइंट जो है इसका अनसर्टेनिटी का, वो है एवरेज वैल्यूज के लिए, कि हमारे पास अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स की हैं, अगर हमने बहुत सारी वैल्यूज जो हैं कैलिब्रेशंस करते हुए निकाल ली है, तो फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, ओके बच्चों, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स के अंदर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन तमाम वैल्यूज की एवरेज लेंगे, ठीक है, एवरेज लेके फिर हम उसके जो मीन डेविएशंस आ रही होगी, जो उनके फ्रैक्शनल जो डिफरेंसेस आ रहा होगा हर एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के दरमियान, वो लेंगे, उनकी अनसर्टेन यानी कि उसका एवरेज लेंगे। सबसे पहले हम तमाम वैल्यूज जो आपने ली हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तमाम टोटल वैल्यूज जो है उसने दी हुई है 1.1, पहली वैल्यू जैसे 1.20, इसको हम ऐड करेंगे दूसरी को 1.22 प्लस एंड सो ऑन, और नीचे जो है टोटल वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 6 आती हैं, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर नोट है, इसका हम एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज आता है 1.21 मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है, ये ले लिया हमने उसकी वैल्यू की, ठीक है, एवरेज ले लिया, ये हमने एवरेज लिया उनकी मेजरमेंट्स का। अब हम उनके दरमियान जो डेविएशन आ रही है रीडिंग्स के दरमियान, जो डिफरेंस आ रहा है, उन सब का भी हमने क्या लेना है, डेविएशन का एवरेज लेना है, डेविएशन एवरेज, वो भी बच्चों सबका डेविएशन एवरेज जो है 0.01 प्लस 0.02 एंड, और ये भी 6 होगा, इसका डेविएशन जो एवरेज है वो 0.01 मिलीमीटर ये आ जाएगा। अब देखिए आप कि हमारे पास ये जो हमने पहले जो मेजरमेंट्स की उनके एवरेज लिया, फिर डेविएशन का एवरेज लिया, अब बच्चों एंड पे हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का सिंपली क्या करना है कि हमारे पास जो एवरेज अनसर्टेनिटी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.12 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर, यानी कि ये वेरी वेरी सिंपल, इसमें जो टोटल वैल्यू हमने निकाल ली है, टोटल एवरेज मीन वैल्यू जो इसी तरह एवरेज मीन वैल्यू उसकी डेविएशन की, उसमें से अनसर्टेनिटी परसेंटेज एरर जो है वो इसका वही होगा कि इतने 0.01 जो है प्लस माइनस जो है उसमें से क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट जो है अनसर्टेनिटी जो है वो देख लेते हैं,
पॉइंट नंबर फाइव फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइम एक्सपेरिमेंट. आप कोई भी टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है आप वो कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं, कोई भी है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 30 वाइब्रेशन लेते हो, वाइब्रेशन जो है ये हमारे पास है फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइम एक्सपेरिमेंट, कि जिसमें आपने टाइम एक्सपेरिमेंट वाला कोई भी आपका फॉर एग्जांपल आप जी फ्री फॉर ऑल मेथड से जो है जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंक्लूड कर, कुछ भी जो है आपके पास जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन कितनी है 30, ठीक है, 30 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, उसके लिए आपने टोटल टाइम जो है वो निकाला है ये टाइम 54.6 सेकेंड, ठीक है, ये आपके 30 वाइब्रेशंस के लिए हो जाएगा. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वन वाइब्रेशन के लिए हम टाइम पीरियड निकालेंगे, वो क्या होगा 54.6 डिवाइड बाय 30, तो वन वाइब्रेशन के लिए आपके पास आ जाएगा 1.82 सेकेंड, ठीक है, ये वन वाइब्रेशन के लिए आ जाएगा. अब इसके साथ अगर हमने इसकी अनसर्टेनिटी वैल्यू निकालनी है तो अब हमें लीस्ट काउंट चाहिए स्टॉप वॉच का, वो स्टॉप वॉच हमने यूज की, उसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जाम्पल 0.1 है, तो उसको टोटल वाइब्रेशंस के ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो उसकी अनसर्टेन वैल्यू जो है उसके अंदर आ जाएगी 0.003 सेकंड, जो है उसकी अनसर्टेन वैल्यू आ जाती है बच्चों. उसकी परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, इसी को हमने फाइनल रीडिंग में प्लस माइनस कर देना है, जो वेरिएशन आएगी 0.003 सेकंड, ठीक है, ये आपकी फाइनल रीडिंग होगी जिसमें आप बताओगे कि हमने इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ली हैं 30 सेकंड के लिए, फॉर वन वाइब्रेशन हमारे पास 1.82 आता है टाइम, विद द एरर कितना है 0.003 सेकंड की फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है. सो स्टूडेंट दिस इज अ एडवाइजेबल काउंट लार्ज नंबर ऑफ द वैल्यूज, और दिस इज एडवाइजेबल असेसमेंट ऑफ अ टोटल अनसर्टेनिटी इन योर फाइनल रिजल्ट, क्या फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेन या एरर परसेंटेज एरर या सिंपल एरर जो है कितने टाइम्स वो डेविएट कर सकता है, ऊपर या कम, बिलो या अबव जो है, कितनी नंबर्स जो है वो कितने सेकंड, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर जो है वो डेविएट कर सकता है.